आप कोई भी किसी भी तरीके का प्रसाद वहाँ से नहीं लेके आना है, ठीक है जी। आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, वहाँ से आते हुए कुछ भी नहीं लेके आना। और मैं पिछली बार जब काम पे गया ना, मैं गोप्रो यहीं पे छोड़ गया था, बच्चों को गोप्रो के साथ में। देखो क्या क्या हरकतें कर रखी है, देखो पहले आप। हेलो गाइस, क्या हाल चाल पगलों में आप सबको, जैसे रम चली उंगली तेरी बड़ा माँ बुरी ना तो है जा तेरी दिमाग चल गया। मम्मी मेरी फोटो बना, मेरे भाई आया था मेरे साथ और मेरे बच्चों आज कर रहे थे। हाय फ्रेंड्स, जय श्री बाबा राजपुरी जी महाराज। कनी मत्था टेक ले बेटे, तो भी ओ कनी मत्था टेक दे बाबा। अरे बाबा राजपुरी जी महाराज के यहाँ पूजा पधारे। अभी जोरों शोरों से काम चला हुआ है, बाबा राजपुरी जी महाराज का 14 तारीख को मिल रहा है। श्री गुरु महाराज, श्री भगवान, ये हमारे बाबा राजपुरी जी महाराज की मूर्ति है। श्री गुरु माथा टेक ले बेटे, पूरी टेक दे माथा। श्री बजरंगबली जी महाराज, जय हो। कुछ नहीं गंदा, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे पूरा मेला लगेगा। यहाँ पे 14 तारीख को आने वाली, 14 तारीख को जय माता हिंगलाज माता देवी, जय माता रानी, माता रानी की जय। माता बसंती, दादा खेड़ा जी महाराज, जय बाबा राजगुरु जी महाराज, जय हो आपकी, जय हो, जय हो। बच्चे में गेम चल रहा है पार्क में। जय श्री, पढ़ लियो। जय श्री मलाज दुना बाबा राजगुरु जी महाराज, ब्रह्मलीन श्री महंत ओमपुरी शिष्य महंत राम गाय, ये दुना बाबा दरबारी दास बाबा राजगुरु जी महाराज का धोस धोस धोस। चलो तिलक करो,
जय श्री बाबा राजपुर जी महाराज, जय हो आपकी। जय श्री बाबा राजपुर जी महाराज, जय हो। चलो जय श्री राम, जय बजरंग बली जी महाराज, जय हो आपकी जी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे जी, आपकी फैमिली खुशहाल होगी। तो भाई तीनों सीरीज मैंने अपलोड कर दी है आज नए तरीके से, नए हिसाब से, नए चेहरे के साथ में। कई दिनों के बाद मिला हूँ, एक हफ्ते के बाद मिला हूँ शायद आप लोगों को। तो जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री खाटू वाले श्याम जी महाराज, जय श्री सालासर वाले श्री बालाजी महाराज, जय हो आपकी। तीनों सीरीज आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। सबसे पहले बालाजी की है, फिर साला, फिर खाटू श्याम जी महाराज की है, फिर सालासर की है, फिर चौथे दिन हम घर पर आ गए थे फैमिली के साथ में। आप कहीं पर भी घूमने के लिए जा रहे हो तो भाई आप या तो फिर दो लेडीज और दो जेंट्स होने चाहिए, या फिर मतलब इसमें थोड़ी सी हरकत रहती ही है, क्योंकि मैं कल्ला ही जिम्मेवार था, आदमी था साथ में, मतलब बच्चे थे। और भाई डर हर चीज़ का रहता है, क्योंकि रात को चलना होता है या फिर दिन में चलना होता है। तो दिन में तो चलो भाई कोई भी हमारे देश में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को हमारे को ट्रैवल करना पड़ता है, तो भीड़ वाला एरिया, होटल वगैरह, तो रुकने का, तो सारी सेफ्टी हमारे को चाहिए होती है, क्योंकि बच्चों के साथ में सेफ्टी ज़रूरी है। क्योंकि मैं, दो बच्चे थे और दो भांजे थे, मैडम थी और एक मैं था, छः जने थे। तो भाई सबसे जिम्मेवार आदमी मैं ही था, चलाने वाला भी मैं ही था, ड्राइव करने वाला भी, टूर पे पूरा घुमाने वाला भी, पूरे सिस्टम का जिम्मेवार मैं ही था। क्योंकि वो तो चलो भाई बच्चे थे सारे, और लेडीज होने के साथ में आपको सिक्योरिटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाई। ये चीज़ मतलब इस चीज़ में आपके साथ में आपको कोई भी गुस्ताखी नहीं होने देनी है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कहीं पर भी हो आप, अपना देश हो या बाहर हो, आप किसी भी कंट्री में हो, तो भाई इज्जत सबसे प्यारी होती है। हमारे को बच्चे की देखभाल करना, सिक्योरिटी की, भाई रात को कैसा माहौल है, कैसे होटल पर हम रुक रहे हैं, तो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए तो हमने बहुत अच्छे से टूर सारा कवर कर लिया। बालाजी महाराज के यहाँ से आप जा रहे हो और आ रहे हो, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दे देता हूँ। जब भी आप बालाजी जाओ तो वहाँ से जब आते वक्त कोई भी प्रसाद नहीं लेके आना है आपको। देखो भाई सबकी अपनी अपनी, जो आपकी हमारी सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी होती है, सबको हमारे मतलब घर वाले बोलने वाले होते ही हैं, सारे बताने वाले हमारे जो फैमिली है बताते ही हैं, लेकिन हमारे को तो 2004 में मैं पापा और माँ और दोनों भाई और माँ और पापा थे। जब तो सिस्टर और की तो शादी कर दी थी, तो हम दोनों भाई को आ रहे थे, 2004 की बात है। तब हम वहाँ से प्रसाद लेके आ गए थे, खाने मतलब प्रसाद लेके आ गए थे, और वो खा लिया था, और वहाँ से निकलते हुए भी खा लिया था बालाजी से। तो हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, बीमार हो गए थे दोनों भाई, दिक्कत हुई थी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, क्योंकि बच्चे थे भी, खाया पिया जाता ही था और प्रसाद वगैरह भी खा लिया करते थे। तो उसके बाद में लोगों ने बताया कि भाई वहाँ से जब भी आते हो, माथा टेक के, धोक मार के जब भी आप निकलते हो वहाँ से, उनकी बालाजी महाराज की सीम तक, जैसे 50 किलोमीटर की सीम होती है, 10 किलोमीटर की भी होती है, 20 किलोमीटर तक की सीम होती है, तो उसके अंदर कुछ भी खाना नहीं है, और वहाँ से कोई भी किसी भी तरीके का प्रसाद लेके नहीं आना है। तो तब हमारे को पता चला था, ठीक है जी। तो उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई जब भी आप बालाजी जाओ तो वहाँ से निकलते हुए कोई भी किसी भी तरीके का प्रसाद वहाँ से नहीं लेना है और ना ही लेके आना है, ठीक है जी। वहीं पे जो भी सामान आपने लिया है वहीं से आप वहीं पे बांट दो, या फिर लोग लेने वाले वहाँ पे खड़े रहते हैं तो उनको दे दो, ठीक है जी। तो प्रसाद का तो हो गया ये, क्योंकि वहाँ से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, कोई हवा मतलब आप लोगों के पास में, आपके साथ में आने से रुकेगी नहीं, ठीक है जी। मीठा प्रसाद वगैरह कुछ भी आप साथ में लेके आओ तो आपको परेशानी होगी ही होगी, लेकिन भाई सबका अपना अपना हिसाब होता है। हमारे को नहीं पता किसी को हुई या नहीं होगी, या फिर मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई हमारे को हुई थी, और हमारे साथ में, हमारी कम्युनिटी में हमारे को बताया जाता है कि भाई आप कोई भी किसी भी तरीके का प्रसाद वहाँ से नहीं लेके आना है, ठीक है जी। आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, वहाँ से आते हुए कुछ भी नहीं लेके आना। तो आप खाटू श्याम से भी प्रसाद लेके आ सकते हो, कुछ भी खाने का लेके आ सकते हो, खाटू से चलते हुए भी खा सकते हो, सालासर से भी खाते हुए चल सकते हो, खाते हुए सीम से भी निकल सकते हो। उनकी जो सीम होती है ना, एक दायरा होता है जहाँ से
उन किसी अगर हम यहाँ से जा रहे हैं किसी मंदिर में बालाजी महाराज के या खाटू श्याम जी के सालासर के दरबार के यहाँ जा रहे हैं तो उनकी एक सीम होती है, दायरा होता है, 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक का भी होता है, ठीक है जी। तो हमने बालाजी से निकलते हुए कोई भी प्रसाद वगैरह नहीं लिया था, हमने 70 से 72 किलोमीटर जाके वहाँ पे खाना लिया था, जयपुर थोड़ा ही रह गया था वहाँ से। तो अगले दिन हमारे को खाटू श्याम जाना था, फिर सालासर जाना था, ठीक है जी। लेकिन मैडम को उल्टियों के कारण थोड़ा सा हमारा जो प्लान था वो डिले हो रहा था, 3-4 बार डिले हुआ, फिर बना पहले, फिर डिले हुआ, फिर बना, फिर डिले हुआ। तो उसके कारण से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में ही था कि भाई मैं बताऊँ वहाँ पे जा रहे हैं नहीं बताऊँ, अगर घर पे जा रहे हैं तो वो भी बता दो। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न सी थी थोड़ी। तो ठीक है जी, पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है, भाई धाम अपना सभी का है, परमात्मा के हम बंदे हैं, हमारे साथ में जो ऊपरी हवाएं होती हैं वो भी हमारे साथ में ही हैं। बालाजी वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख लो, हवाएं हमारे साथ में सभी के साथ में होती हैं। ऐसी समस्याएं जो भी मतलब हम भी मरेंगे भाई, देखो हम हमारे साथ भी, हमने भी कोई रजिस्ट्री नहीं करवा रखी है, सारे इंसान जो भी जीव पृथ्वी पर जीवित हैं जीने के लिए आया वो उसका अंत तय है, ठीक है जी। जो हम लोग भी हैं, जीव जंतु हैं, परमात्मा के रचे हुए हैं सभी, ठीक है जी। तो भाई सांस सभी के निकलेंगे, अंत सभी का होगा, लेकिन जो हवाएं हैं ऊपरी होती हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, जो सिस्टम होता है वो समझ रहे हो आप, ठीक है जी। तो उसकी समस्याएं भाई सभी को होती हैं, लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता है, ठीक है जी। किसी के यहाँ हर तरीके की अपने अपने समझ होती है, हर तरीके की हमारी समस्याएं होती है। तो आपने किलकी मारते हुए भी देखे हैं, लोग मचल रहे हैं, दर्द से पीड़ा हो रही है, आराम के लिए वो आज़ादी मांग रहे हैं, जीने के लिए अपना जो जीवन यापन करने के लिए तो परमात्मा से दुआएं कर रहे हैं कि भाई हमारे को आज़ादी दो। तो भाई सारी चीज़ें हैं धरती पर, कोई भी ऐसी वो नहीं है कि भाई आप लोग नहीं जानते हो, सभी बंदे सारी चीज़ें जानते हैं, कोई विश्वास कर लेता है कोई नहीं करता। हमारे साथ में बहुत सारे 50 से 55 साल से हमारे साथ में जो समस्याएं चल रही हैं वो हमने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया अभी तक, तो करेंगे ज़रूर। तो ठीक है जी, परमात्मा में आस्था रखो, और भाई मैं अब सही हूँ, मेरा माइंड सेट है, मेरा सब कुछ सेट है, अब मैं कल काम पर जाऊँगा नए तरीके के साथ में, नए चेहरे के साथ में। मैं बार बार बोल रहा था, तो कैसे लगे वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। बालाजी महाराज से आते हुए किसी को समस्या हुई है तो उन भाइयों के लिए वीडियो शेयर कर देना, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज।